दोस्तों काफी सारे ट्रेडर्स में एक कंफ्यूजन है कि जब भी वो एक हाई प्राइस पे बाय ऑर्डर लगाते हैं, हाई प्राइस का मतलब कि शेयर चल रहा है 500 रुपए का और 510 का अगर बाय ऑर्डर लगाते हैं लिमिट सेलेक्ट करके, तो उनका जो शेयर है 500 रुपए पे ही बाय हो जाता है या फिर जो भी मार्केट प्राइस है उसी के ऊपर बाय हो जाता है। इसी तरीके से 500 रुपए का शेयर चल रहा है, अगर वो सेल लगाते हैं, वो सोचते हैं कि 490 को जो ब्रेक करके नीचे जाएगा तो और नीचे गिरेगा, तो क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं कि 490 का सेल ऑर्डर लगाएं लिमिट को सिलेक्ट करके। लेकिन होता क्या दोस्तों, वो शेयर भी मार्केट पे ही सेल हो जाता है, करंट प्राइस पे ही सेल हो जाता है, यानी 500 पे ही वो सेल हो जाता है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूजन क्या है दोस्तों, ये सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा, लाइव आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको हायर प्राइस पे, जी हां, कैसे आपको हायर प्राइस पे बाय करना है, कैसे आपको लोअर प्राइस पे सेल करना है। मार्केट और लिमिट ऑर्डर में फर्क क्या है, ये टेक्निकली आपको समझना होगा, तभी आप इस तरीके के ऑर्डर मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से लगा पाएंगे और आपके मार्केट जो ऑर्डर हैं मार्केट पे लगाएंगे तो मार्केट पे एग्जीक्यूट होगा, लेकिन लिमिट पे लगाएंगे तो लिमिट पे ही एग्जीक्यूट होगा। बस थोड़ा सा इसके अंदर आपको समझने की जरूरत है कि कैसे आपको ये ऑर्डर लगाना है दोस्तों। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है, टेक्निकली इसमें कैसे काम होता है। तो मान लीजिए कोई भी शेयर चल रहा है 500 रुपए का और आप उसको खरीदना चाहते हैं 510 रुपए पे, तो आप क्या करेंगे, आप लिमिट सेलेक्ट करेंगे, 510 लगा देंगे। लिमिट से आप समझते हैं कि इस लिमिट पे आएगा तभी ये बाय होगा, लेकिन होता क्या है, 500 पे एग्जीक्यूट हो जाता है। क्यों एग्जीक्यूट हो जाता है दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। आप खरीदना चाह रहे हैं 510 पे, लेकिन सिस्टम आपको ये बोल रहा है आप 510 पे क्यों खरीद रहे हैं, मैं आपको 500 पे ही दे देता हूं, मार्केट में 500 पे ये ऑर्डर अवेलेबल है, तो आप 510 पे क्यों खरीद रहे हैं, आप नीचे खरीदिए जिससे और ऊपर जाए तो आपका फायदा हो। तो यही सोच के सिस्टम आपका ऑर्डर, टेक्निकली सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जितना नीचे का प्राइस मिलेगा उस पे ही वो आपका ऑर्डर बाय हो जाएगा। इसी तरीके से सेल करने जाते हैं हम, सेल से सिस्टम क्या समझता है कि आपने बाय किया है और एक हायर प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, तो आप नीचे का सेल का ऑर्डर लगाएंगे, उसी का एग्जांपल लूंगा, 500 रुपए का अगर आप सेल का ऑर्डर लगाएंगे और 490 पे आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो सिस्टम सोचेगा कि 490 तो कम है, तो मैं हायर प्राइस पे अगर सेल कर पा रहा हूं तो मैं इसको हायर प्राइस पे सेल करूंगा, तो वो क्या करता है, मार्केट पे ही आपका ऑर्डर सेल कर देता है दोस्तों। अब हमें यह समझना है कि हमें करना क्या है हायर प्राइस पे खरीदने के लिए, लोअर प्राइस पे बेचने के लिए, अगर अलग अलग ऑर्डर लगाने हैं तो हमें करना क्या है दोस्तों, करना ये होगा दोस्तों कि आपको इसके लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जी हां, नॉर्मल ऑर्डर मत सेलेक्ट कीजिए लिमिट मार्केट वाला, आप एक स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट कीजिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करके ही आप एक हायर प्राइस पे खरीद सकते हैं, 500 का शेयर जो चल रहा है 510 पे खरीद सकते हैं, जब तक 510 नहीं जाएगा तब तक वो शेयर बाय नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपको सेल करना है लोअर प्राइस पे तो भी आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वहां तक वो रुकेगा और 490 जब जाएगा वहां पे जाके सेल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब मैं लाइव आपको दिखाता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको अच्छे तरीके से शायद लाइव देखने से समझ में ये आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं नायका के शेयर का। नायका का शेयर मैंने ऐड कर रखा है आपको दिखाने के लिए, देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूं। अब केस नंबर 1, जहां पे हमें एक हायर प्राइस पे ऊपर के दाम पे बाय करना है, 116.30 के आसपास ये चल रहा है और मैं इसको कोशिश करता हूं 120 पे खरीदने के लिए। तो हम करते क्या है दोस्तों, हम बाय पे जाएंगे और हम डिलीवरी में इसको ले लेते हैं, एक शेयर मैंने यहां पे लगा दिया। अब देखिए 116.30 चल रहा है यहां पे, हम गलती क्या करते हैं, हम लिमिट सेलेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि जितना ही प्राइस हम लिमिट पे लगाएंगे उतने पे ही बाय होगा और हम यहां पे लगा देते हैं 120 रुपया। अब देखिए जैसे मैं इसको प्लेस ऑर्डर करूंगा तो क्या होगा, हम देखते हैं दोस्तों। ये मैंने क्लिक किया प्लेस ऑर्डर कंफर्म और आप आगे देखिए, देखिए कंप्लीट हो गया पोजीशन, देखिए नायका का डिलीवरी में एक शेयर बाय हो गया। कितने पे बाय हुआ है आप देख लीजिए दोस्तों, 116 रुपए के आसपास, ये 116.25 पे ये बाय हुआ है। ऑर्डर में जाके हम देख लेते हैं ऑर्डर हिस्ट्री, 116.25 पे ये बाय हुआ है। देखिए अभी ये बाय हुआ है 12:09:25 पे, तो हमने हायर प्राइस लगाया लिमिट को सिलेक्ट करके तो ऊपर ये बाय हो गया। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा केस, हमें बाय कैसे करना है अगर हमें ऊपर के प्राइस पे लगाना है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बाय पे जाएंगे, बाय पे डिलीवरी में दोबारा इसको सेलेक्ट करेंगे, एक शेयर यहाँ पे लगा देंगे और हमें स्मार्ट ऑर्डर में जाना है। दूसरे किसी ऐप में होंगे तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर ढूंढ लीजिए, इसमें यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर दिखाई दे जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ट्रिगर प्राइस, ट्रिगर प्राइस आपको लगाना है 120 पे खरीदना है तो 120 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और लिमिट प्राइस 120.10 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी कि 120 के आसपास जाएगा तो वहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा, 120 और 120.10 के बीच में ये बाय हो जाएगा। अब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ,
कंफर्म कर देता हूं। तो देखिए अभी ये बाय नहीं हुआ, ये ओपन ऑर्डर में दिखाई दे रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आप हायर प्राइस पे बाय कर सकते हैं। जब तक ये 120 नहीं जाएगा दोस्तों, यहां से जब तक 120 नहीं जाएगा तब तक ये बाय नहीं होगा दोस्तों। अगर पूरे दिन में 120 नहीं गया तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज 120 पे ही ये यहां पे बाय होगा दोस्तों। इसको अब मैं यहां से कैंसिल कर देता हूं दोस्तों, ये देखिए मैंने कैंसिल कर दिया। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के ही आप हायर प्राइस पे बेच सकते खरीद सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला केस। अगला केस भी हम नाइका का एग्जांपल लेके ही समझते हैं। मान लीजिए 116 पे चल रहा है और आपको लगता है कि 110 के अगर ये नीचे जाएगा तो ये और ज्यादा गिरेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, डिलीवरी में सेलेक्ट कर लेंगे इसको, और सेल में जाके मान लीजिए अगर आपको ये बेचना है 110 पे तो मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा, स्मार्ट ऑर्डर में जाके स्टॉप लॉस सेलेक्ट कर लूंगा, ट्रिगर प्राइस में इसका लगा दूंगा 110 और इसके नीचे लगा दूंगा 109.90। तो यहाँ पे मैं प्लेस सेल ऑर्डर लगा दूंगा, ये कंफर्म मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर लग गया। तो जब तक ये 110 को टच नहीं करेगा, 110 के नीचे नहीं जाएगा, तब तक ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ पे ये दिखेगा आपको दोस्तों। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसी तरीके से दोस्तों कोई भी आपको कॉल या पुट खरीदना बेचना है, मान लीजिए जैसे कॉल है ये 42700 की कॉल है, 405 पे चल रही है अभी, अगर मुझे लगता है कि अगर ये 430 के ऊपर जाएगी तो ही इसमें प्रॉफिट आएगा, तो इसको खरीदने के लिए मैं क्या करूँगा, बाय पे जाऊँगा, एक यहाँ पे लगा दूंगा और 430 यहाँ पे, माफ़ कीजिए इसके लिए मुझे पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, 430 यहाँ पे डाल दूंगा और 431 यहाँ पे डाल दूंगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा और ये देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर लग गया। जब तक 430 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको हायर प्राइस पे कोई स्टॉक बाय करना है, कोई शेयर, कोई इंडेक्स बाय करना है तो कैसे करना है, उसी तरीके से लोअर प्राइस पे अगर आपको कुछ भी सेल करना है तो वो कैसे आपको सेल करना है दोस्तों। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके क्वेश्चंस है, कोई भी आपके सवाल है, डेफिनेटली आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पहुंच सकते हैं, आप टेलीग्राम पे पहुंच सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में तो कमेंट आप कभी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज और जय हिंद।